उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी चर्बी बहुत हैवी हुई हुई है, आप बहुत हैवी से हुए हाँ हो, हाँ हाँ वो हाँ थोड़ा कम हो जाएगा उसके बाद, मतलब वॉक भी कर रही हूँ और डाइट भी ले रही हूँ नहीं मैं। तो ये जो आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आपने मुझे बताए 120 समथिंग, ये आपका वजन 83 था जब आपने टेस्ट करवाया था या अब जी रिड्यूस करने के बाद करवाया? नहीं, रिड्यूस करने के बाद करवाया डॉक्टर, अभी तक 4 मंथ की डॉक्टर ने मेरी मतलब ये डाइट दी है मुझे। जब आप वजन ज्यादा इसको था तब का लेवल आपने बताया मुझे, जी, हाँ, तो वजन ज्यादा था। अब उसको 3 मंथ्स के बाद आप रिपीट करेंगी और मेडिकेशन देखो आपकी चल रही है वो आप चलाइए, ठीक है, मेटफॉर्मिन आप लेती रहिए, ग्लूकोफेट, और साथ में आप वेट रिड्यूस करें तो इंशाल्लाह आपके लेवल्स बेहतर हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा तो और कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं फोर्थ सीजर हो चुके हैं मेरे, और आज तक मैंने कभी मतलब इतना डाइट का और वेट लूज करने का मतलब फिक्र ही नहीं की थी बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये कि अब आपको फिक्र करनी है क्योंकि ये अब समझे थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई है, अगर इसको यहीं कंट्रोल कर लेंगी तो बेहतर है, वरना नहीं ये बढ़ता रहता है अगर, तो फिर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, सीरम इंसुलिन लेवल, ये सब आपके डिस्टर्ब हो अच्छा जाएंगे, डॉक्टर साहब, आप ये मुझे आप करें। बताएं कि कुछ बेसिक टेस्टेज हैं जो मुझे करवाने चाहिए या कुछ इस तरह का आप प्रेफर करेंगी मुझे तो प्लीज अभी बता फिलहाल तो दीजिए। ये ठीक है, फिलहाल इसको लेके चलते हैं और ये आपका रिपीट करवाते हैं अच्छा 3 महीने अच्छा के डॉक्टर, बाद, मैं देन नेक्स्ट थाउजेंड ईयर, कैलोरीज ले रही हूँ दिन में, और ठीक वॉक है, के 1 आवर वॉक कर रही हूँ, ठीक है, 1000 कैलोरीज ले रही ठीक हूँ है, मैं। ठीक है, ठीक है दैट्स फाइन, डॉक्टर हाँ, इससे कम कैलोरीज नहीं कीजिएगा, वॉक बेशक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, जी, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू थैंक यू। सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं आपसे जो जरूरी सवाल करने वाली थी ना, मैंने कर दिया, ये जो आजकल लोगों ने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिए पतले होने के लिए, एब्स बनाने के लिए, मोटे होने के लिए, ये क्या सही होते हैं? ये सप्लीमेंट्स वजन को कम करने के लिए जो इस वक्त मार्केट्स में अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स हाँ, वो दोनों बड़ी खतरनाक चीजें हैं। यही जो हम बात कर रहे थे थायराइड के बारे में, ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया कि दोनों टाइप्स होती हैं थायराइड की, और एक में वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम थायरोक्सिन देते हैं जिससे थोड़ा बहुत वजन कम हो जाता है। थायरोक्सिन जो है इस वक्त स्लिमिंग सेंटर्स वाले बड़े बड़े क्वांटिटीज में उसको खरीद लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, सैशे बनाते हैं, और वो छोटे छोटे पैकेट्स में दे देते हैं स्लिमिंग सेंटर्स वालियों को जो उनके पैकेजेस खरीदते हैं, वालियों नहीं, वालों को भी, हाँ, वालों को भी, हाँ। और वो खाने में आप छिड़क के डालें और ये करें। थायरोक्सिन उस सूरत में देनी होती है जब आपको वाकई थायरॉयड हार्मोन आपके डिस्टर्ब हैं, आपको ये बीमारी मौजूद है, तब आप ये लें। हमारे यहाँ इसका बस अल्लाह ताला रहम करे कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी चीज एक और मार्केट्स में बहुत इस वक्त पॉपुलर है, वाटर के नाम से, हर्बल वाटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये डायोरेटिक्स होते हैं। डायोरेटिक्स वो दवाइयां होती हैं, वो लोग जिनको कार्डियक एडीमा है, जिसम में बहुत स्वेलिंग है, सूजन है, तब डॉक्टर्स प्रॉपर चेकअप के साथ इनको डायोरेटिक्स देते हैं। डायोरेटिक्स का ये होता है कि उसके बाद पेशेंट्स यूरिन बहुत पास करते हैं, लेकिन वो किडनी प्रॉब्लम्स, कार्डियक इश्यूज में दिया जाता है, वो एक दवाई है, ठीक है, वो वजन को कम करने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ उसका वाटर पानी बना के बेचा जाता है 50,000, 60,000, फलाने थाउजेंड, और औरतें उसके बाद वजन भी कम करती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, बेतहाशा वजन कम करती हैं, यूरिन बहुत पास करती हैं, उसके बाद उनका बिल्कुल उनका डैमेज हो जाता है अंदर से, बाल उनके बिल्कुल गिर के खत्म हो जाते हैं। वो बिला वजह किडनीज को फोर्स कर रही हैं, वो उस बीमारी की दवाई ले रही हैं जो उनमें मौजूद। जिम में या स्विमिंग सेंटर्स में आप जा रहे हो और आप कैप्सूल्स खरीद रहे हैं, अब आपको क्या पता वो कैप्सूल आपको किस चीज का मिल रहा है, बिकॉज इतनी डेस्परेशन बढ़ जाती है, इतनी फ्रस्ट्रेशन शायद बढ़ गई है लोगों की कि वो शॉर्टकट्स पे जा रहे होते हैं, ठीक है। हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी अगर लोगों ने आना होता है, हम लोग कोई मिरेकल नहीं कर सकते, कोई रातों रात जादू नहीं होगा कि आप मेरे पास तशरीफ लाए या लाएं, या आपके बच्चे, कोई भी जो है वो रातों रात एक विजिट आपने न्यूट्रिशनिस्ट को की और मिरेकल्स नेवर हैपन, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, कम से कम भी जो है 5 से 6 से 7 विजिट्स लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये लोग जो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हैं हमने तो विजिट्स नहीं करनी, हमने जिम जाना है, हमने वो पाउडर खरीदना है, हमने वो डालना है, और सुबह जब हम सो के उठेंगे तो हम ऐश्वर्या राय में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। ऐश्वर्या राय भी अब बहुत मोटी हो गई, हाँ, प्रॉबेबली हो गई होंगी, हाँ, मैंने एक एग्जाम्पल दी है, डबल चिन, क्योंकि ऑब्वियसली अभी बेबी हुआ उनका, ऐश्वर्या राय मोटी हो गई, अभी आप शिल्पा पे ही नहीं, आप बिपाशा पे रहे, वही पत्नी है इस वक्त, यहाँ बेबो पे, उनका आप मिसाल दें तो अच्छा भी लगेगा। चलें, ठीक, नहीं, बाकी लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि शायद दूसरे दिन हम जो है हो हमारी बॉडी हो जाएगी, हो जाएंगे, आप वो नहीं पता, जो ये सप्लीमेंट्स बहुत डेंजरस होते हैं, प्लीज ये सप्लीमेंट्स ना लें आप लोग, ये कैप्सूल्स ना लें,
आगे जाके पता नहीं कंसेप्शन प्रॉब्लम्स हो जाएं लड़कियों को, क्या क्या चीजें होती हैं, और जिनके हार्मोन्स, अच्छा मजे की क्या बात है कि जिनके हार्मोन्स ठीक होते हैं वो ये दवाइयाँ खाती हैं, हार्मोन्स खराब हो जाते हैं। जिनको कोई किडनी प्रॉब्लम्स नहीं होती वो ये डायोरेटिक्स लेती हैं, उनके किडनीज डैमेज हो जाते हैं। मतलब वो बीमारियां जो आपके अंदर मौजूद नहीं है वो 10 और आपके अंदर बढ़ जाती हैं। ठीक है, हेयर लॉस आपका हो गया, और जिस दिन आपने ये पानी पीना छोड़ा या ये पाउडर मिलाना छोड़ा, उस दिन से जो आपका वजन 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है उस वजन से जिस वजन पे आपने ये सप्लीमेंट लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? माशाल्लाह प्रोग्रेस इज सो नाइस एंड येलो कलर सूट्स ऑन योर लॉट। ना आपका नाम क्या है? समीर फ्रॉम कराची। जी समीर, क्या कहेंगे? आई जस्ट वांट टू टॉक विद डॉक्टर मैम। अच्छा बेटा एक बात सुन लें, हेलो लेकिन प्लीज ये हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि आप उर्दू बोलें। या इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ प्लीज उर्दू बोलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उर्दू आप बोलें, उर्दू चैनल है ना, तो इसलिए। आगे वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, डॉक्टर से बात करने की? जी डॉक्टर ही सलाम कर रही है आपको। जी सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे पूछना था कि मेरे सीने में ना आई फील बहुत ज्यादा जलन होती है मेरे सीने में ना, ज्यादा अगर मैं थोड़ा सा भी ज्यादा स्पाइसी फूड खाता हूँ तो फिर मुझे बहुत ज्यादा जलन होती है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? चले मैं आपको बता देती हूँ, आप जवाब सुन लीजिए ऑन एयर। ठीक है, आप स्पाइसी फूड खाते हैं इसलिए जलन हो रही है? और समटाइम्स ऐसा होता है कि अब तो ऐसा हो रहा है कि स्पाइसी ज्यादा ना हो तो फिर भी मुझे ऐसा फील होता है लाइक बर्निंग हो रही होती है, बर्निंग हो रही है बहुत ज्यादा। या सिर्फ सीने में हो रही है या स्टमक में भी है? सीने में आई फील ना बहुत ज्यादा, उससे हार्ट वगैरह की साइड पे भी ऐसा बर्न होता है तो मुझे बहुत ज्यादा। तो बेटा ना खाए, आपकी क्या उम्र है? I'm 27 years, I think 26 years old. नहीं नहीं आप बेटा तो नहीं, आई एम सॉरी। नहीं मुझे एक बात बताएं कि आप किस किस्म की हरी मिर्चें वगैरह बहुत खा रहे हैं? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा रहा, पहले आई लव टू ईट स्पाइसी फूड्स, बट अब तो जब से मुझे फील हो रहा है तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ खाने की, लेकिन फिर मेरा रुक जाता हूँ कि नहीं यार मैं खाने के बाद आई फील लाइक ना, तो ठीक है हमने इनको बता दिया। ठीक है करूँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ कि इसको मैं अभी आपको डॉक्टर साहब आपकी परेशानी दूर करती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा इसमें ये कि एसिडिटी बहुत ही कॉमन कंडीशन है, ठीक है, और लोगों का स्पाइसी फूड्स की तरफ होता है कि जी स्पाइसी फूड्स हम ले रहे होते हैं और फिर सीने में बहुत जलन हो जाती है, तकलीफ होती है, चेस्ट पेन होती है, लेकिन ये कि इन लोगों का वेट भी ज्यादा होता है, जब ये लोग अपना वेट रिड्यूस करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, प्लस जिन लोगों का कैफीन इनटेक बहुत ज्यादा है, ठीक है, चाय का कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है तब भी ये कंडीशन हो जाती है, वेट लॉस करें बहुत बेहतर हो जाता है, पानी का इंटेक बढ़ाएं, स्मोकर्स अगर हैं वो उसको कट डाउन करें, एंड बिसाइड्स दिस अगर ये सब चीजें नहीं सही होती हैं आपकी तब भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं हर हॉस्पिटल में, जाइए और अपना चेकअप। एक टोटका मैं घर का बता दीजिए, इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको बहुत जलन हो रही है, क्योंकि मैं भी बहुत मिर्चें खाती हूँ, तो मुझे किसी ने बताया था कि इतना पानी और उसमें इतना दूध, या फिर हाँ पानी और नहीं सॉरी पानी इतना, ठीक है, उसमें दो बर्फ और इतना सा दूध, दूध ज्यादा नहीं डालना आपने, दूध इतना डालना है और उतनी क्वांटिटी में पानी डालना है और बर्फ डालनी है। जब भी आपको जलन हो या आप दिन में 3 दफा उसको पी लें तो आपको बर्निंग की बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। ये आप टोटका होम रेमेडी है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फीजा बात कर रही हूँ। क्या बात करिए? हफीजा बात कर रही हूँ। हफीजा बात कर रही है, क्या हाल है हफीजा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप लोग सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी मुझे आपके न्यूट्रिशन से कुछ पूछना था। जी पूछिए। जी मुझे बोलना था कि कुछ मेरे फेस पे थोड़ा एक्ने का प्रॉब्लम था ना। हेलो जी, जी सुन रही है। एक्ने का थोड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने कुछ कैप्सूल यूज किए हैं जिसके अंदर आइसोटेरिटिन के नाम से ये केमिकल होता है, तो उसकी ये हार्मोन्स कैप्सूल होते हैं, मुझे बाद में पता चला और ये मैंने 5 मंथ्स तक यूज किए हैं, ठीक है, इसकी वजह से मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया। अराउंड 57-58 मेरा वेट था, 5'2" मेरी हाइट है एंड अब जो है वो तकरीबन 68 तक वेट चला गया है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या डाइट प्लान यूज करूँ, तो काइंडली मुझे इस बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दे दें। तो आपका जो एक्ने का प्रॉब्लम था जिसके लिए आप यूज कर रही थी वो क्लियर हो गया?
हाँ वो सब अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सॉल्व तो हो गया है, बस सिर्फ अब वेट का इशू रह गया है। हाँ अब वेट का इशू रह गया, 5 मंथ्स हो गया मतलब मैंने यूज किया कैप्सूल्स, और 2 मंथ्स तकरीबन 1.5 मंथ्स मार्च में मेरा, मार्च के इनिशियल्स में मेरा जो स्टार्ट में था वो कोर्स खत्म हो गया था। और एज माशाल्लाह आपकी कितनी है? 2 मंथ्स हो गए। नहीं उम्र आपकी कितनी है? मेरी उम्र 21। 21 चलें ठीक है मैं आपको बताती हूँ। ओके थैंक यू, यू वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आशा, अच्छा इसमें यह है कि एक्नी प्रॉब्लम जब हो जाती है बड़ी कॉमन कंडीशन है बॉयज एंड गर्ल्स में, यंग एज में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो रही होती है, ठीक है, डाइट प्रॉपर नहीं होती, फ्राइड आइटम्स ज्यादा होते हैं जिसका आजकल बच्चों का शौक भी बहुत होता है, ये हो जाता है। उसके लिए इनिशियली जरूरी यही होता है कि अपने सोप्स चेंज किए जाएं, अपना थोड़ा डाइट को बेहतर किया जाए, पानी का इंटेक बढ़ाया जाए, हार्मोनल मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो यही मतलब इतने आपको पता है हर शो पे हम ये बात करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट आती हैं वो भी हम यही बात कर रहे होते हैं, हमें भी दाने निकले थे, हमारे भी टीनेज आया था, हमने तो कभी जा के गोलियां नहीं खाई, ये सब जरूरत नहीं है। आप उसको वो उस फेज में होता है ये सब, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह सब। आजकल क्यों इतना हो गया आयशा? आजकल आई थिंक